नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज़। कल हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र में देर रात एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष के बुजुर्ग व्यक्ति को नज़दीक के ही हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर का है, जहाँ बच्चों की हल्की सी कहासुनी को लेकर एक ही समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष के मुखिया के परिवार के सदस्य की हालत गंभीर हो गई। परिवार के लोगों ने घायल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। पीड़ित परिवार के पुत्र का कहना है कि बच्चों की लड़ाई थी, जिसमें दूसरे परिवार के दबंग लोगों ने एकजुट होकर हमारे पिता पर जमकर लाठियां बरसाई। फिलहाल बुजुर्ग को पासी के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं भगवानपुर थाना अध्यक्ष संजीव थपलियाल का कहना है कि फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से कोई भी तहरीर नहीं मिली है। जैसे ही तहरीर मिलती है, वैसे ही मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई की जाएगी। बच्चों का मामला था, बच्चा हमारी दुकान पर आया परचून की। अब उसने जो सामान में छेड़छाड़ नहीं करी तो दूसरे बच्चे ने तो धमकाया, तो उन्होंने गाली दी, तुरंत जेल पड़ी। फिर सामान को रोपड़ा फेंका उन्होंने, तो ये जो लड़ाई हुई और गलती उनकी हो, उन्होंने हम तो उसकी दुकान पर नहीं गए, वो हमारी दुकान पर आया। गलती लियाकत अच्छी की है, वो अपने लड़कों को लेकर डंडों के साथ। मेरे अपा जी का सिर में डंडा मार रखा है और मेरे बाल भी बेहोश पड़े हैं। फिलहाल तो एक उनका बंदा ले गई, एक हमारा बंदा ले गई, लड़ाई हुई।